नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दोपहर 12 बजे से किया जाता है वितरण। शहरवासियों से अपील है कि प्रत्येक रविवार को भोजन वितरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सदस्यों के सहयोग करें। प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट जनता से अनुरोध करता है कि अगर आपके पास बेकार कपड़े या अन्य सामान है तो हमें देने की कृपा करें, हम गरीबों को आगे आकर देंगे। महामंत्री राजू शर्मा जी ने बताया कि शहर वासियों से अनुरोध है कि कृपा सेवा ट्रस्ट को अपने आसपास के गरीब आशाएं तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को भी लाने की कृपा करें। प्रबंधक शशि यादव ने बताया कि हम सब लोग गरीबों की मदद के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष राम मूरत यादव, महामंत्री राजू शर्मा, मंत्री राजपाल शर्मा, प्रिय वर्मा, कोषाध्यक्ष श्याम जी आदि लोग उपस्थित रहे। सहयोग सभी का है और ये सहयोग इसी बराबर चलता रहेगा। बाकी पंडित जी हमारे जो है अभी कुछ बताएंगे आगे कि प्रभु की कृपा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने और भी विचार किया है कि आगे और भी करेंगे। जैसे आप का ट्रीटमेंट है, ये भी शिविर लगवाएंगे इसके माध्यम से, प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से। और भी आगे और भी योजनाएं हैं, विचार है हम सब लोगों के, तो सब मिलकर के इसको आगे जो है और भी कार्य करेंगे। हर संडे को, हर इतवार को जो है भोजन वितरण हम लोग, ये तो अभी चल ही रहा है, आगे भगवत कृपा से और भी काम करेंगे। की सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, विधवा पेंशन और एम्प्लॉयमेंट में लेबर कार्ड, इसके लिए हम लोग की बातचीत चल रही है। आगे से कोशिश ये है हम लोग की कि विधवा पेंशन या किसी कोई भी और अन्य पेंशन जो है वो नहीं बन पा रही है, तो उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ये सारे काम कब से लगेंगे? ये आज हम लोग को 1.5-2 साल हो गया है और वो 1.5-2 महीने हो गया है इस कार्यक्रम को करते हुए। और मैंने 1 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू किया था और अभी तक रेगुलर इसी तरह प्रचार चल रहा है। और ये जो विधवा पेंशन है, इनके सारे काम कब से स्टार्ट होंगे या कब से लगेंगे? ये विधवा पेंशन का हमने अपने पदाधिकारियों से, पूरा सदस्यों से बात किया हुआ है। उसमें हमारे वकील हैं मोहित भैया, जिन्होंने जिनके माध्यम से आगे चल के हो सकता है अगले हफ्ते या उसके नेक्स्ट हफ्ते में हम विधवा पेंशन और लेबर कार्ड का जो है कैंप लगवाएंगे। इसका फ्यूचर का प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि आगे चल के हमारा प्लान तो बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा बनाया है, पर देखिए कहाँ तक प्रभु ले जाते हैं उसके बारे में। मेरा ये है कि वृद्धा आश्रम खोलने का, वृद्धा आश्रम मेरा एक टारगेट है कि मैं लास्ट तक एक वृद्धा आश्रम जरूर खोलूंगा। क्योंकि आज की जो जनरेशन देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि आगे चल के भविष्य में अब बच्चे जो है अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो मैं वृद्धा आश्रम की बात सोच रहा हूँ और आगे चल के मैं वृद्धा आश्रम जरूर खोलूंगा, वो चाहे जैसे खोलूँ। हम लोग हर रविवार को भोजन वितरण का कार्यक्रम करा रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा सोच है कि आगे तक ऐसे चलता रहेगा हर संडे। और हमारे जो है श्याम जी हैं, पंडित जी हैं, सब लोग साथ में लगे हुए हैं और हमारा जो सहयोग है सबका इसी तरह रहे, सहयोग होता रहेगा तो हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रभु कृपा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी आवाज़ है ये जिन लोगों तक जा रही है, वो गरीबों को कोई भी कष्ट होता है, कोई भी तकलीफ होती है, तो हम जिस लायक हैं उसके सहयोग के लिए हमारा संस्था, हम सब लोग एक साथ रहेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होती है, जो जो सहयोग करना होगा सहयोग कर सकते हैं।